सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पेरेंटिंग लीव क्या होती है। पेरेंटिंग लीव वो होती है जैसे कि जो लेडीज होती हैं, फीमेल होती है, जब भी उनकी डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले या उसके बाद उनको पेड लीव मिल जाती है, यानी जो भी छुट्टी मिलती है उसकी कोई भी पैसा नहीं कटता, वो पूरी पूरी सैलरी उनके अकाउंट में आती है। इसी तरह से इंडिया में 15 दिनों की जो मेल होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनके लिए 15 दिन की पेड लीव निर्धारित की गई है, यानी कि पेरेंटिंग लीव में 15 दिनों की आपकी छुट्टी मिलती है और उसके कोई भी पैसे नहीं कटते और आपको सिर्फ बताना होता है कि मैं जा रहा हूं पेरेंटिंग लीव पर। लेकिन उससे पहले आपको कई सारी चीजें करनी होती है, इस वीडियो में आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पेरेंटिंग लीव इंडिया के अंदर 15 दिनों की छुट्टी होती है जो कि पेड लीव होती है, किस तरीके से मैंने ली, क्या क्या चीजें करनी पड़ी और किस तरह से मैनेजमेंट को बनाना पड़ा, इन्फॉर्म करना पड़ा, ये सारी चीजें आगे जानते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये तो जान ही लिया कि पेरेंटिंग लीव क्या होती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव होती है उसी तरह से पेरेंट्स यानी मेल जो कैंडिडेट है उसको भी छुट्टी मिलती है। तो सबसे पहले इसका एक रूल ये है कि जब भी डिलीवरी होती है उस दिन से लेके 15 दिन आप छुट्टी पर जा सकते हैं या 6 महीने में कभी भी 15 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं, जिस दिन से डिलीवरी हुई है और उस दिन से 6 महीने के अंदर 15 दिनों की कभी भी आप लीव ले सकते हैं। इससे ज्यादा की जो लीव है वो भी आपको पेड लीव में मिल जाएगी, यानी कि उसके लिए थोड़े से नियम कायदे कानून काफी सारे होते हैं, लेकिन 15 दिनों की जो छुट्टी होती है वो काफी आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही डिलीवरी हुई मेरी वाइफ की, मैंने उसी दिन मेल डाल दी, मेल लिख दिया और जो अस्पताल की जो भी पर्ची होती है, जो भी रिपोर्ट होती है, एक कोई सी भी फोटो खींच के उस मेल में अटैच कर दीजिए और वो मैनेजमेंट के पास चला जाता है। इस केस में क्या होता है कि जब भी आप मेल डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि मैनेजमेंट से अप्रूवल चाहिए या वो अप्रूव करने में दिन लगाएगा, देरी लगाएगा, यहां पर किसी भी अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। जिस दिन आपने मेल डाली और कुछ भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा दिया जो कि ये प्रूफ करता हो कि आपकी वाइफ की डिलीवरी आज ही हुई है, ठीक है, तो इस तरह से आप इंस्टेंट लीव ले सकते हैं। मैंने मेल डाली और एक फोटो खींच ली जो भी अस्पताल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे उसकी और मेल कर दिया कि आज से लेके 15 दिनों तक मैं लीव पर रहूंगा और इस तारीख को मैं ज्वाइन करूंगा और उस दिन के बाद अब उस मेल पर चाहे रिप्लाई आए ना आए मैं छुट्टी पर चला गया। उस मेल पर रिप्लाई आ गया इंस्टेंटली क्योंकि उसमें कोई भी डिले नहीं होता है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो वहां पर आ गया अप्रूवल और मैं उस दिन से छुट्टी पे था। अगर इन केस कई कंपनी में अप्रूवल नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चोर कंपनियां हैं वो आपको मेल पर कभी भी रिप्लाई नहीं करेंगी, टेलीफोनिक कह देंगी या किसी थर्ड पार्टी यानी आपके जो कलीग्स होंगे, जो आपका मैनेजर होगा उससे, उसके मुंह से कहवा देंगे यानी उससे फोन करवा देंगे, इस तरह से अप्रूवल दे देते हैं लेकिन मेल पर नहीं देते। तो आपको मेल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आपने मेल कर दिया वही एक बहुत बड़ा सबूत होता है। 15 दिनों की इंस्टेंट छुट्टी मिल जाती है। इस दौरान आपको कोई भी कॉल नहीं कर सकता, कोई भी वर्क से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ सकता, ठीक है। और दिनों जो हम छुट्टी लेते हैं उसमें लोग बीच बीच में कॉल भी करते हैं, कुछ भी डेटा है, कुछ चीजें हैं वो भी पूछते हैं या थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है टेलीफोन पे, लेकिन इस छुट्टी में आपको कुछ भी नहीं करना, कोई नहीं पूछेगा। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है या कितनी चोर कंपनी है। तो इस तरीके से छुट्टी मिल गई और जब आप 16वें दिन जाएंगे अपनी जॉब पर, ड्यूटी पर जाएंगे, उस दिन एचआर को इन्फॉर्म करना है कि आज से मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और जो डॉक्यूमेंट आपने फोटो खींच के भेजे थे वो ओरिजिनल, जो भी अस्पताल की कॉपी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो चीजें ले जाइए, वो आपको दिखानी है वहां पर, ओरिजिनल वो दिखानी है और वो दिखाना है, वो रख लेना है। तो ये काम था मेरा और इस तरीके से मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन अगर आप 15 दिनों की छुट्टी पहले नहीं लेना चाहते हैं,
छह महीने के अंदर आप कभी भी 15 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं, और ये छुट्टी पार्ट्स में नहीं होती है। ऐसा नहीं है 3 दिन आप छुट्टी ले ली, 10 दिन बाद 3 दिन ले ली, फिर उसके बाद 3 दिन ले ली, ये पैटर्निटी लीव के अंदर नहीं आता। आपको जब भी छुट्टी लेनी है 15 दिनों की लगातार छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप मैनेजमेंट के बहकावे में आ गए या भूल से आपने पैटर्निटी लीव डाली है और 5 दिन वर्किंग करके फिर जॉब पे चले गए हैं 2-3 दिन, और फिर सोच रहे हैं कि आगे की छुट्टी आगे एडजस्ट हो जाएंगी, तो पैटर्निटी लीव में ये छुट्टी एडजस्ट नहीं होती। एचआर से अगर आपके अच्छे संबंध है, कंपनी से आपके अच्छे संबंध है, तो वो आपको पर्सनल लीव दे सकती है आगे भी डिवाइड करके। तो लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो आपको सारी छुट्टी जो 15 है वो लाइन से लेनी पड़ेगी, यानी 15 दिनों की। अब चाहे आप 10 दिन बाद काम पे आ जाइए, चाहे 5 दिन पे आ जाइए, चाहे 15 दिनों बाद आइए, वो पीरियड में आपकी सैलरी कोई भी नहीं काट सकता किसी भी नियम के अनुसार। मैं तो आ गया, मैंने अपनी जॉब आगे कंटिन्यू की। मोस्टली कैसी भी लीव हो, कोई भी कंपनी आपको लीव देना नहीं चाहती, और साल में जो छुट्टियां मिलती हैं कंपनी उनको भी नहीं देना चाहती, आपसे काम कराना चाहती हैं। तो आपको बहुत ही फोर्स करेंगे या पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपकी कोई जरूरत नहीं है वहां पर, आप छुट्टी मत लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, फिर आगे ले लीजिए, इस तरह से वो करेंगे। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो मेरा वाला तरीका अगर आप अपनाएंगे तो इस तरह से 15 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। काफी सारे केस में लंबी छुट्टी भी मिलती है, लेकिन उसके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं कि मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यानी जो डिलीवरी हुई है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी वहां पर कितनी जरूरत है, तो आपको 15 दिनों से ज्यादा की भी छुट्टी मिल जाती है। हालांकि मैनेजमेंट कई बार नाराज भी होता है, कई बार खुश भी होता है, मेरा मैनेजमेंट भी शुरू में नाराज हो गया, लेकिन अगर आप नियम से चलने चाहते हैं तो इस तरीके से आप छुट्टी ले सकते हैं। और इस छुट्टी का जो रूल्स है वो सभी कंपनियों पे लागू होता है, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी हो, अनरजिस्टर्ड कंपनी हो, पीएफ कटता हो, थर्ड पार्टी हो, या आप ऑफ रोल एम्प्लॉई हो, सभी के लिए लागू होता है। अब ये जो छुट्टियां होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा फोर्स से कंपनी आपको देती है। इसके लिए कहीं भी ऑफर लेटर में कोई मेंशन नहीं करना पड़ता, कोई अलग से लिखना नहीं पड़ता, कोई आपको ये समझाए कि आपके ऑफर लेटर में अगर ये छुट्टी मिलती तो लिखा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरह की कंपनी हो, 2 एम्प्लॉई हो, 4 एम्प्लॉई हो, 6 एम्प्लॉई हो, ये छुट्टी आपको मिल जाती है।